Hello and welcome to my channel. So this is Divya. In today's video I will explain about BNHS means Bombay Natural History Society. So basically news mein kyun hai, because today means 15 September 2023 ko kitne year complete kiye hain 140 years. तो इसके बाद इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे. बेसिकली न्यूज़ में इसके टाइम पीरियड की वजह से ही रहा है. और सबसे पहले देखेंगे कि BNHS का लोगो क्या है. तो वो है ग्रेट हॉर्नबिल. अगर वर्ल्ड वाइड फंड का अगर हम लोगो देखें तो जैसे पांडा है तो उसी तरह इसका क्या है, ग्रेट हॉर्नबिल. देन इसके बाद इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे. बेसिकली व्हाट इज़ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. तो दिस इज़ NGO मींस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंगेज इन कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च एंड इट्स फाउंडेड ऑन 15 सितंबर 1883. देन इसका अगर बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है तो हॉर्नबिल हाउस मुंबई महाराष्ट्र. देन इसके बाद देखेंगे कि इसकी ग्लोबल पार्टनरशिप किस किस के कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस के साथ है. तो वो है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल मींस इसकी जो पार्टनरशिप है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल. अभी कहाँ पे लोकेटेड है, कैम्ब्रिज UK. एंड ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1922. देन अगर बात करें व्हाट इज़ द वर्क ऑफ वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, बेसिकली इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज स्ट्राइव टू कंजर्व बर्ड्स देयर हैबिटेट्स एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड हेडक्वार्टर इज इन कैम्ब्रिज UK. देन इसके बाद देखेंगे जो BNHS है उसको किस कैसे डेजिग्नेटेड किया गया है, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बाय DST मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. देन इसके बात करेंगे कि इसका जो फर्स्ट रीजनल सेंटर कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है, मीन्स फर्स्ट रीजनल सेंटर और एविफिना ऑब्जर्वेटरी. एविफिना मीन्स जो बर्ड्स बर्ड के लिए, बेसिकली एवी मीन्स बर्ड एंड फौना मीन्स एनिमल काइंड ऑफ मीन्स बिकॉज जो फौना होता है वो एनिमल के लिए यूज़ होता है और फ्लोरा प्लांट के लिए यूज़ होता है. देन ये कब ओपन किया गया था, 2018 में. देन इसका जो कैंपस ऑफ वेटलैंड रिसर्च कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, कैंपस ऑफ वेटलैंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर नियर चिल्का लेक उड़ीसा. देन और लोगो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या है, ग्रेट हॉर्नबिल. देन इसके बाद इसके कुछ पब्लिकेशंस, बेसिकली व्हाट इज़ द वर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर NGO. तो ये पब्लिश करता है 4 मंथली जर्नल्स मीन्स जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एज वेल एज क्वार्टरली मैगजीन विच नेम इज़ हॉर्नबिल. देन इसके बाद देखेंगे कि इसका किस और क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो इट कैरीज आउट एशियन वाटर बर्ड सेंसस. वो किससे एसोसिएटेड है, वेटलैंड इंटरनेशनल से. अब बात करें वेटलैंड इंटरनेशनल तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर प्रेजेंट है, बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये है नीदरलैंड में. और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1996 में. देन इस अदर वर्क देखें इस पर्टिकुलर NGO का, तो अलॉन्ग विद वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ इंडिया इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट, इनके साथ ही ऑब्जर्व करता है नेशनल ड्रैगन फेस्टिवल. और इसका जो मैस्कॉट है वो क्या है, पेंटालू. देन इसके बाद इनका क्या क्या इस पर्टिकुलर NGO का BNHS का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये एक फेस्टिवल है उसका नाम क्या है, थुम्बी महोत्सव. इट इज़ अ स्टेट बटरफ्लाई फेस्टिवल ऑफ केरला विच वॉज ऑर्गेनाइज एज ए पार्ट ऑफ नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल इन अगस्त 2020. देन इसके बाद BNHS एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली रन करते हैं वल्चर कंजर्वेशन को और उसके ब्रीडिंग सेंटर को इन रिस्पेक्टिव स्टेट. मीन्स जहाँ पे भी वल्चर का कंजर्वेशन होता है वहाँ पे ब्रीडिंग सेंटर्स पे ये जॉइंटली वर्क करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं. देन इसके बाद देखते हैं कि इसके और क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं. तो इसका रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया था सिटी नेचर चैलेंजेस, और ये किसके थ्रू ऑर्गेनाइज हुआ था, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वर्ल्ड वाइड फंड
फॉर नेचर इंडिया एंड द नेचुरलिस्ट स्कूल। देन इसके बाद अगर बात करें पर्टिकुलर इस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, तो सोशल एक रिफॉर्मर रहे हैं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ये आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा कि इनको बेसिकली बहुत सारे समाज के एस्टेब्लिशमेंट में इनका काफ़ी रोल रहा था। तो वॉज द वन ऑफ द फाउंडर ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बात करें कि अदर साइंटिस्ट कौन से हुए हैं जिनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इस पर्टिकुलर सोसाइटी में, तो बहुत सारे मीन्स मैनी प्रोमिनेंट नेचुरलिस्ट इंक्लूडिंग द ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली एंड एस डिलन रिप्ले, हैव बीन एसोसिएटेड विद इट, मीन्स दे हैव मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर बात करें कि सलीम अली इनको और भी क्या कहते थे, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं मीन्स प्रेजेंट में भी, बिकॉज इन्होंने एक वाइल्ड लेवल पे बहुत वर्क किया था बर्ड्स पे, बेसिकली उनके कंजर्वेशन में और उनके एक तरह से उनकी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए। तो सलीम अली का ये बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, मीन्स एक तरह से जो ऑर्निथोलॉजिस्ट मीन्स जो बर्ड्स पे वर्क करते हैं साइंटिस्ट, उनको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप यूज़ कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए कि क्या क्या बेसिकली इस पर्टिकुलर सोसाइटी का मीन्स बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एनजीओ है, इसका लोगो क्या है और किस तरह से किसके साथ कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स ये क्या वाटर एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस में किस तरह से एसोसिएशन है इसका वेटलैंड इंटरनेशनल के साथ। तो इस तरह से बहुत सारे आप फैक्ट कलेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो से। होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर हुआ होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।